एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मॉर्निंग के बजे हैं 7:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं ऑफिस के लिए। तो अभी आज मैं आपको गुड़गांव का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। ऐसा कोहरा कोहरा जैसा हो रखा है। वैसे मौसम थोड़ा ठीक है, अभी मॉर्निंग के टाइम में अच्छा है, हवा चल रही है, ठंडा ठंडा सा है। लेकिन दिन में ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, गर्मी हो रही है अभी भी। ये सितंबर अक्टूबर लगने वाला है, फिर भी इतनी गर्मी हो रखी है। तो अभी हमने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया है, उसके बाद अभी हम जाएँगे थोड़ी देर में भैया के साथ सीधे ऑफिस। मैं एक्चुअली भैया के साथ ही जाती हूँ कभी कभी जब मैं यहाँ रुकती हूँ। तो अभी हम लोग, मैं वेट कर रही हूँ भैया का। हम लोग रेडी हो गए हैं, खा पी के बैठ गए हैं। दूर भी है यहाँ से, तो मेरे को जल्दी जाना होता है, साइड पे जाना होता है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं, टाइम से निकल जाते हैं। 8 बजने वाले होते हैं, फिर 7:50 तक का हम लोग निकल जाते हैं। जब जल्दी जाना होता है तो सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। भाभी सुबह सुबह उठ के खाना बनाती है, रोटी सब्जी सबके लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। हम अगर कुछ सुबह उठ के थोड़ा बहुत भी कर लेते ना, ऐसा लगता है कि यार थोड़ा कुछ किया है, वरना ना करना पड़ता है। भाभी सब कुछ अकेले ही करते हैं, सुबह ना नींद भी नहीं खुलती है, ऐसी हालत रहती है। तो हम लोग ये रहते हैं कि शाम को लेट में आते हैं, चल चल के इतने थक जाते हैं कि कब नींद आए, और फिर सुबह उठने का मन नहीं करता, तो इस वजह से भी थोड़ा दिक्कत होती है। तो गाइस, दिन भर बिजी होने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ ऑफिस के वाले रास्ते से अपने रूम पर। ये रहा हमारा बाहर से दिखता है ऑफिस, बहुत सुंदर लग रहा है आज तो। मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा है ऐसे रात का जो व्यू रहता है। तो मैं अभी आ रही हूँ, बहुत लेट हो गया, मुझे 8:30 बज जाते हैं रूम पर पहुँचते। तो अभी श्रेया आने वाली है, श्रेया अभी ऑफिस से अभी नहीं आई है, मैं शायद पहले पहुँच जाऊँगी। तो अभी मैं जाती हूँ रूम पर, उसके बाद फिर हम देखते हैं खाना ना क्या क्या बनाना है, क्योंकि ऑफिस से जाने के बाद ना रूम पर खुद ही खाना बनाना पड़ता है। वैसे अच्छा भी लगता है खुद से बनाया हुआ खाया। इवनिंग के टाइम में जब हम लोग साइड से वापस आते हैं ऑफिस से, तो गाड़ी मिलना बहुत टफ पड़ जाता है हमारे लिए, हमें बुक करना पड़ता है ऑटो या बाइक, जो भी हमारा रहता है, रैपिडो बाइक या ऑटो बुक करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे भी दिखाता है कभी कभी, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस वजह से। तो कभी कभी तो मिल भी जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सर गाइस, मैं आ गई नोएडा फिर से, चल गई आज वापस आ गई। ये मेरे में ना एक्चुअली मिंत्रा के पार्सल आ रखे हैं, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी। एक और आ रखा है जो कि श्रेया के एड्रेस पे मंगाया था मैंने, वो आ जाएगा अभी, तो उसका वेट कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको देख लेती हूँ कि इसमें कैसा आ रखा है। बहुत मस्त है, मजा आ गया। इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, फर्स्ट ये है। एंड अभी मुझे इसकी फिटिंग भी चेक करनी पड़ेगी, सही है या नहीं है। सेम कलर, थोड़ा सा चेंज है।
यह है मेरा स्कर्ट। क्वालिटी ने इतनी अच्छी है ना, ये कॉटन में है, बहुत सुंदर है, मतलब मजा आ गया। मिंत्रा में ना एक चीज अच्छी है कि इसमें कपड़े अफोर्डेबल हैं, और दूसरे ये कि इसकी जो क्वालिटी होती है ना प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर मिंत्रा के मैं सभी से मंगा लेती हूँ, बट अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो मैं रिटर्न कर देती हूँ। तो मीशो से ज़्यादा मेरे रिटर्न जाते हैं, बट मिंत्रा से मैं हमेशा रखती हूँ। तो मिंत्रा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर में एक पार्सल और आने वाला है, श्रेया आ रही है, तो वो भी देखते हैं। ये मेरा एक पार्सल आया है जो कि कुर्ता है, इसके नीचे प्लाजो है, बहुत मस्त है। इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, फिटिंग है, जो मैंने जो साइज मंगाया था उसी साइज में आया है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जिस तरीके से मंगाया था वैसा ही आ रखा है। तो मैं तो इससे बहुत खुश हूँ।